हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि डिस्क क्या होता है, ड्रम क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम पूरा इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ड्रम ब्रेक क्या होते हैं। ड्रम ब्रेक एक छोटा सा राउंड शेप का एक ड्रम होता है जो व्हील के साथ साथ घूमता रहता है, और इसी ड्रम के अंदर शूज़ लगे होते हैं जिनको ब्रेक शूज़ बोलते हैं। और जैसे ही आप पेडल दबाते हैं ब्रेक लगाने के लिए, तो ये ब्रेक शूज़ फोर्स अप्लाई करते हैं ड्रम पर अंदर की तरफ से, और फ्रिक्शन की वजह से व्हील की स्पीड कम हो जाती है। और अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक की। ये राउंड शेप की एक डिस्क होती है जो व्हील के साथ साथ घूमती रहती है, और इसके ऊपर ब्रेक कैलिपर लगा होता है जिसके अंदर ब्रेक शूज़ लगे होते हैं। अब जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाते हैं ब्रेक्स लगाने के लिए, तो ये जो ब्रेक शूज़ होते हैं, ये जो ब्रेक कैलिपर के अंदर लगे होते हैं, ये डिस्क को ग्रिप कर लेते हैं दोनों तरफ से, और वो ब्रेक लग जाते हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो जाती है, इनफैक्ट रुक जाती है। और वैसे भी जैसे जैसे आप प्रीमियम गाड़ी लेते चलते हैं, मान लीजिए कि 2 लाख से आप 10 लाख की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि चारों टायर्स में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। मेरे पास एक ह्युंडई वरना है जिसमें चारों टायर्स में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे, तो कोई एक टायर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि बाहर से वो अदरवाइज विजिबल नहीं होगा कि कैसे वो चीज़ें होती है, क्या डिस्क होती है, कैसे वो ब्रेक अप्लाई होता है। और दूसरी मेरे पास एक सेंट्रो जिंग है काफ़ी पुरानी, उसके अंदर रियर टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, तो मैं उसका एक रियर टायर आपको खोल के दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है, क्या चीज़ होती है, क्या क्या माउंटिंग्स लगी होती हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वो कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे है ये डिस्क ब्रेक, जिसको अभी खोल के उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो पार्ट है ये वो डिस्क है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टायर मैंने हटा दिया इस गाड़ी का, और जो सामने आप देख पा रहे हैं ये पार्ट होता है डिस्क एक्चुअल में, और ये टायर के साथ ऐसे घूमता रहता है। जैसे जैसे टायर घूमेगा ये घूमेगा, और इस डिस्क के ऊपर एक्चुअल में यहाँ से ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये होती हैं ब्रेक पैड्स, जो डिस्क के साथ रब करती हैं। जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे इस पर, तो ये डिस्क के अगेंस्ट रगड़ खाती हैं। और ये जो खाली एरिया आप देख पा रहे हैं, ये दोनों डिस्क के बीच में होता है। एक्चुअल में एक उस तरफ पार्ट होता है, एक इस तरफ पार्ट होता है, बीच में ये खाली एरिया होता है जो कूलिंग के लिए छोड़ा होता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है ब्रेकिंग के टाइम पे, ये उस हीट को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, ये जो केबल है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में होती है ABS से आई हुई हाइड्रोलिक पाइपलाइन, जो पीछे से ब्रेक पैडल के प्रेशर को लेके आती है, और यहाँ पे व्हील सिलेंडर को प्रेस करती है, और वो फर्दर आगे ब्रेक पैड्स को प्रेस करते हैं अगेंस्ट द डिस्क, जिसके वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और आपकी गाड़ी रुक जाती है। और ये है दोस्तों सेंट्रो का रियर टायर, जिसमें ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। सामने से आप देख पा रहे हैं ये ड्रम होता है एक्चुअली। बाहर से इसमें बहुत कुछ नहीं दिखता है, खोलने के बाद भी बहुत कुछ नहीं देख पाएंगे हम, पर फिर भी मैं आपको टायर रिमूव करके ये दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से टायर मैंने हटा दिया है, और अब जो देख रहे हो वो होता है एक्चुअल में ड्रम। ये जो ड्रम है ये आपका टायर के साथ रिवॉल्व करता है, टायर के साथ ये घूमता रहता है, और इसके अंदर लगे होते हैं ब्रेक शूज़। जब ये टायर घूमेगा तब अंदर से वो शूज़ इसको अंदर से प्रेस करेंगे, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ से भी ब्रेक सप्लाई आपकी गाड़ी पे हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे काम करेगा। ये जो केबल आप देख पा रहे हैं ये फ्लूइड लाइन होती है जो ब्रेक पैडल से आती है। यहाँ पे इसके पीछे से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये व्हील सिलेंडर को आगे फर्दर एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से शूज़ एक्सपेंड होते हैं और वो फर्दर ड्रम को रोकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये छोटी सी ब्लीड वॉल होती है एक्स्ट्रा एयर या फ्लूइड को रिलीज़ करने के लिए, ताकि वो अंदर इकट्ठा ना हो। अब बात करते हैं ड्रम ब्रेक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहली इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और ड्रम ब्रेक में हीट अच्छे से डिसिपेट नहीं हो पाती, हीट ख़त्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्रेक्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है और ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है ड्रम्स में, जिसकी वजह से कई बार आप फील करोगे कि बारिश के बाद एकदम से जर्क के साथ एकदम ब्रेक अप्लाई होते हैं, और साथ ही ब्रेक कई बार क्लॉग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इसमें। इसी के साथ ड्रम ब्रेक के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहले है कि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है, और इसी वजह से कार मैन्युफैक्चरर प्रेफर करते हैं कि पीछे के टायर्स में एटलीस्ट वो ड्रम ब्रेक्स दें।
दूसरा, इन ब्रेक्स की मेंटेनेंस भी काफ़ी चीप है, इसमें लिमिटेड से पार्ट होते हैं और सिंपली इसको लगाया जा सकता है। तीसरा, इसके ऊपर लेबर चार्ज कम आता है क्योंकि सिंपल मैकेनिज्म होता है इसको चेंज करने का। 10 मिनट के टाइम में आप ब्रेक शू चेंज भी कर सकते हैं और वापस टायर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक की। पहले बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इसी वजह से कार मैन्युफैक्चरर सामने वाले टायर्स में ही इसको देना पसंद करते हैं जब तक कि प्रीमियम गाड़ी ना हो। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और तीसरा ये कि इसकी लेबर चार्जेज भी कम होते हैं क्योंकि ये हल्का सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, काफ़ी कुछ खोलना पड़ता है इसको चेंज करने के लिए। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक के एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज ये होता है कि इसका इंस्पेक्शन आसानी से हो जाता है, टायर के बाहर से आपको ये दिख जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इंस्पेक्शन काफ़ी आसान है। दूसरा, इसकी बेटर स्टॉपिंग पावर होती है, ग्रिप अच्छी होती है इसलिए डिस्टेंस काफ़ी हद तक कम कर देता है। हीट भी इसमें जल्दी डिसिपेट हो जाती है क्योंकि डिस्क के बीच में भी स्पेस दिया जाता है हीट को रिलीज़ करने के लिए, और कई जगह डिस्क के अंदर होल किए होते हैं जिनकी वजह से हीट डिसिपेट होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। एक और बात देखने वाली ये है कि जिन गाड़ियों के अंदर ABS होता है उन गाड़ियों में स्पेसिफिकली फ्रंट के टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने ABS की वीडियो नहीं देखी है कि ABS कैसे काम करता है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ABS के ऊपर आपके सारे डाउट उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि आगे वाले टायर्स के अंदर ही क्यों डिस्क ब्रेक लगाया जाता है और क्यों पीछे वाले में नहीं लगाया जाता। दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही गाड़ी आपकी स्पीड में होती है और आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का ऑलमोस्ट 2/3 वेट आगे वाले टायर्स पर शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्रेकिंग एफर्ट आपको फ्रंट टायर्स पे चाहिए होता है ना कि पीछे वाले टायर्स पे। दूसरा, फ्रंट वाले व्हील्स आपके पावर व्हील होते हैं जिनके अंदर पावर होती है जो इंजन से कनेक्टेड होते हैं, जनरली जब तक आपकी गाड़ी 4x4 ना हो, तो उन व्हील्स को रोकने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए। पीछे वाले डेड व्हील्स होते हैं, उसके अंदर पावर नहीं होती है, तो उनको रोकने के लिए डिस्क ब्रेक भी अपना काम काफ़ी हद तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स थे डिस्क और ड्रम से रिलेटेड वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो उसे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए, मैं यकीनन उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इसको लाइक ज़रूर कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो प्लीज़ मुझे रीज़न ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको क्यों पसंद नहीं आई, ताकि मैं आगे से उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो आपको नहीं पता है या जिसके बारे में आपको और ज़्यादा जानना है, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।